हेलो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है IRCTC। आप सब लोग जानते हैं और वो अब इस लेवल पे है कि आप सोच रहे हैं कि आप इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको NSE की वेबसाइट पर लेकर आ चुका हूँ। ये शेयर अभी 1302 रुपये का चल रहा है और 5% का जो इसने कल डाउन ट्रेंड शो किया था। और अभी जो इसकी डिलीवरी क्वांटिटी दिख रही है हमें 43% के अराउंड डिलीवरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। और अब हम इसके चार्ट पर आ चुके हैं। तो चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले आप कह सकते हैं कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं काफी स्ट्रोंग है, क्योंकि अभी IRCTC एक मोनोपोली शेयर है। अपनी जो मार्केट है उसके अंदर मोनोपोली है इसकी। इसका भी फिलहाल कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, गवर्नमेंट का शेयर है। और बट हम जब टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल चार्ट पर हम देखते हैं कि इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो अराउंड 700 कुछ हुई थी, और उसके बाद से ये कंसोलिडेट किया इसने काफी टाइम तक, और फिर अचानक से एक अप ट्रेंड शो किया। अप ट्रेंड सरवाइव नहीं कर पाया और कुछ ही टाइम में वापस नीचे आ गया, वो भी डाउन कह सकते हैं कि डाउन सर्किट्स में। तो जिसने भी यहाँ पे बाय भी किया था वो यहाँ पे बेच नहीं पाया और डाउन सर्किट्स लगते गए लोअर सर्किट्स में, और फिर से अपर सर्किट लगे और फिर यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाया और फिर से अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे अपर सर्किट, फिर डाउन सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट। अगर किसी ने अगर यहाँ पे बाय भी किया होगा तो यहाँ पे वो बेच नहीं पाया और फिर उसको सेम लेवल्स पर एग्जिट करना पड़ा, जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ भी होता तो काफी कम हुआ होगा। और ये हम कह भी सकते हैं कि अगर वो यहाँ पे अभी अभी खरीद भी लेता है तो वो अब ये कितना भी नीचे जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़े प्लेयर्स का गेम बन चुका है। इसके अंदर जहाँ पे भी मान लेते हैं कि बड़े लोअर सर्किट्स और अपर सर्किट्स टाइम टू टाइम लगते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर्स को वहां पे अपनी एंट्री करनी चाहिए या अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स का गेम है। और आप आगे की क्या प्लानिंग रहेगी उनकी आप नहीं जान सकते। तो जब तक ये एक नॉर्मल सेटल शेयर की तरह जब तक ये ट्रेंड में नहीं आ जाता, मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए और ये सही टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप अपनी चॉइस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं और आप एंट्री बना सकते हैं अगर आपको सही लगे। बट मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे शेयरों से दूर ही रहना चाहिए। माना मोनोपोली है और फंडामेंटल्स अच्छे हैं लॉकडाउन में, बट अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हम कह सकते हैं कि इसकी जो अभी जो सेल्स है वो काफी नील के बराबर ही है, क्योंकि सारी ट्रेंड्स बंद है और कोई बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं चल रही है। तो अभी इसलिए सेल्स नील के बराबर है। बट टेक्निकली हम देखते हैं तो ये काफी वीक शेयर है, और जहाँ अपर और लोअर सर्किट्स लग रहे हैं लगातार, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है ये, और ये सिर्फ एक गेम बन चुका है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे दूर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए आगे ऐसी वीडियोस और लाता रहूं। और थैंक यू सो मच।